नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एमएस वर्ड के क्लिपबोर्ड ऑप्शन के बारे में। वैसे तो हम इसकी एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम एमएस वर्ड के सभी ऑप्शंस को कवर करेंगे। जितने भी टैब्स हैं, जितने भी मेन्यूज हैं, जितने भी फंक्शंस हैं, उन सभी फंक्शंस के लिए हम एक सीरीज बना रहे हैं जिसमें वन बाय वन सभी ऑप्शंस को हम कवर करेंगे। तो सीरीज को देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के वहां से आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इन सभी ऑप्शंस को समझने के लिए एक पैराग्राफ यहां पर इंसर्ट करना होगा। तो पैराग्राफ लेने के लिए हम यहां पर टाइप करेंगे इक्वल टू आर ए एन डी, रैंड लिखेंगे। रैंड लिखने के बाद शिफ्ट के साथ आपको ब्रैकेट को ओपन करना है, ब्रैकेट को क्लोज करना है और प्रेस करना है एंटर। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे आप देखेंगे हमारे सामने पांच पैराग्राफ यहां पर ओपन हो जाएंगे। इन सभी पैराग्राफ का यूज करते हैं हम इन सभी ऑप्शन को समझने के लिए। तो सबसे पहला ऑप्शन आपको दिखाई देगा यहां पर कट का। कट का जो यूज़ किया जाता है, किसी भी डेटा को एक जगह से उठा करके दूसरी जगह पर रखने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जिस भी डेटा को आपको एक जगह से हटाना है तो उस डेटा को सबसे पहले हम लोग यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको कट का यूज़ करना है। जैसे आपने इसको कट किया आप देखेंगे आपका डेटा यहाँ से हट गया, और जहाँ पर भी आप जा करके क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जब भी आप पेस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपका डेटा एज इट इज़ वहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। तो यानी कट का जो मतलब था वो किसी डेटा को वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करने के लिए यूज़ किया जाने वाला ऑप्शन है। इसके बाद हम बात करते हैं कॉपी का। तो कॉपी का मतलब होता है जैसे हमने किसी भी डेटा को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद हमने इसकी कॉपी कर ली। अब इसने क्या किया, इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी हो गई है हमारे पास। इस डाटा को हम कहीं और भी पेस्ट कर सकते हैं एज इट इज़। जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद जैसे हम पेस्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जो डेटा हमारा यहाँ पर था वही सेम डेटा हमारा नीचे भी रिप्रेजेंट हो गया। तो इस तरीके से आप कट कॉपी पेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे कट करें या कॉपी करें, दोनों ही सिचुएशन में आपको पेस्ट करना मस्ट है। बिना पेस्ट किए आप किसी भी ऑप्शन का यूज़ नहीं कर सकते। तो यानी कि अगर आपने कट किया है तो कट करने के बाद भी आपको पेस्ट करना पड़ेगा, और कॉपी किया है तो कॉपी के बाद भी आपको पेस्ट करना पड़ेगा। ये तो एक सिंपल कॉमन ऑप्शन था। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग फॉर्मेट पेंटर की। अब फॉर्मेट पेंटर कैसे यूज़ किया जाता है, जैसे मान लीजिए हमने इसको किसी फॉर्मेटिंग में चेंज कर दिया या हमने मैटर को सिलेक्ट किया और यहाँ से मान लीजिए हमने इसको किसी हेडिंग में या किसी स्टाइल में चेंज कर दिया। अब मान लीजिए कि ये जो स्टाइल है ये मुझे नहीं पता कि मैंने कहाँ से लिया या मुझसे गलती से हमने ले लिया इसको, और ये मुझे स्टाइल अच्छा लगने लगा और यही सेम स्टाइल मुझे नीचे पैराग्राफ पर भी कहीं पर देना है। तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, उस हेडिंग को ढूंढने की या सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली इस हेडिंग पर यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपको फॉर्मेट पेंटर पर यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे आप फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने एक ब्रश यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। इस ब्रश को जिस भी पैराग्राफ पे आप रिप्रेजेंट करेंगे यानी डालेंगे वो ऑटोमेटिकली उसके जैसा बन जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे जैसे हमने इसको एक बार यूज़ किया, यूज़ करने के बाद वो हमारा जो ब्रश था यहाँ से हट गया। अब मैं चाहता हूँ कि इसके अलावा और भी दो चार जगह पर इसको मैं ब्रश का यूज़ करना चाहता हूँ, तो बार बार मुझे फॉर्मेट पेंटर को लेने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर इसे लॉक भी कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है एक बार और फॉर्मेट पेंटर पर जाकर के आपको दो बार क्लिक कर देना है। जैसे ही आपने दो बार इस पर क्लिक किया तो आप देखेंगे आपका ब्रश यहाँ पर फिर से आ गया, और जिस भी डेटा को आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे वो डेटा यहाँ पर उसके जैसा बनता चला जाएगा, ये देखिए। तो आप फॉर्मेट पेंटर को लॉक भी कर सकते हैं। इसको अनलॉक करने के लिए आपको इस पर सिर्फ एक बार क्लिक करना होगा। आप देखेंगे आपका यहाँ से जो ब्रश था वो रिमूव हो चुका है। तो इस तरीके से आप इन सभी ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं, कट कॉपी पेस्ट फॉर्मेट पेंटर का। अब पेस्ट के अंदर आप देखेंगे आपके काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, इन सभी ऑप्शंस को हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कीप सोर्स फॉर्मेटिंग का। तो कीप सोर्स फॉर्मेटिंग का मतलब जैसे हमने किसी भी डेटा को यहाँ से सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद नीचे जा करके हमने यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर एज इट इज़ पेस्ट करने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे सिंपल पेस्ट यूज़ होता है, सेम एज इट इज़ आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है मर्ज फॉर्मेटिंग। अब मर्ज फॉर्मेटिंग क्या होती है, जैसे मान लीजिए हमने इस डेटा को सिलेक्ट किया, हमने इसमें कलर भी फिल किया हुआ है यानी कलर चेंज किया हुआ है, इसको हम थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, इटैलिक कर देते हैं या अंडरलाइन भी आप कर सकते हैं। अब इसके बाद हम इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद नीचे क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद अगर हम सेकेंड ऑप्शन यूज़ करेंगे यहाँ पर तो आप देखेंगे हमारा बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन तो आया, जो हमने फॉर्मेटिंग की थी वो तो यहाँ पर रिप्रेजेंट हुई, लेकिन जो कलर हमने इसमें डाला हुआ था टेक्स्ट के अंदर वो यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं हुआ। तो इसलिए आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं, सेकेंड ऑप्शन का मर्ज फॉर्मेटिंग का। अब इसके बाद आप देखेंगे थर्ड जो ऑप्शन है वो हमारा पिक्चर ऑप्शन है यानी पिक्चर फॉर्मेट है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इससे होगा क्या, आपकी जो ये डेटा है वो एक पिक्चर फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो डेटा है वो पिक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा।
अब इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, इस पर जैसे आप डबल क्लिक करेंगे तो डबल क्लिक करते ही आपके सामने काफ़ी सारे पिक्चर के फॉर्मेट ओपन हो जाएंगे। आप यहाँ से डिफरेंट टाइप्स के फॉर्मेट्स को यूज़ कर सकते हैं, यानी अगर आप किसी डेटा को पिक्चर फॉर्मेट में इस तरीके से कन्वर्ट करना चाहें तो पेस्ट स्पेशल में जा करके आप यहाँ से इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद का जो नेक्स्ट ऑप्शन है उसको हम क्लियर करते हैं, तो इसको मैं यहाँ से पहले डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद हमने डेटा को वापस से यहाँ से सिलेक्ट किया, ये वापस से इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद फिर से यहाँ पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पर जा करके हमने नेक्स्ट ऑप्शन यूज़ किया कीप टेक्स्ट ऑनली, मतलब हमें सिर्फ टेक्स्ट चाहिए, ना तो हमें फॉर्मेटिंग चाहिए, ना हमें कलर चाहिए, ना हमें बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कुछ भी नहीं चाहिए, हमें ओनली फॉर टेक्स्ट चाहिए, तो इसलिए हम यूज़ करेंगे कीप टेक्स्ट का। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारे सामने जो डेटा रिप्रेजेंट हुआ वो इस डेटा को हमने कॉपी किया था और ये डेटा हमारे यहाँ पर रिप्रेजेंट हुआ, जो भी फॉर्मेटिंग इसके ऊपर थी वो सारे की फॉर्मेटिंग यहाँ से रिमूव हो चुकी है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा डेटा है जिसमें बहुत ज़्यादा फॉर्मेटिंग की गई है और आप उसे एक नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट करके रखना चाहते हैं या नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद का जो नेक्स्ट ऑप्शन आप देखेंगे यहाँ पर पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन है। पेस्ट स्पेशल किस तरीके से यूज़ किया जाता है, इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली डेटा को यहाँ से सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद नीचे आना है, जहाँ भी आपका ब्लैंक स्पेस हो वहाँ पर जाना है आपको, और वहाँ पर जाने के बाद आपको यहाँ पर यूज़ करना है पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल यूज़ करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आपको दिखाई देगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट यानी ऑब्जेक्ट। इसका मतलब आपका जो डेटा होगा वो वर्ड डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके लिए जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे डेटा तो हमारा सेम एज इट इज़ वैसा ही पेस्ट हुआ, लेकिन जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि इसके चारों तरफ एक बॉर्डर बन के आ गया। ये बॉर्डर बेसिकली क्या है, एक पैराग्राफ का सिंबल होता है, इससे पता चलता है कि हमारा जो भी डेटा है वो एक पैराग्राफ में बंद है। तो इस तरीके से आप वर्ड डॉक्यूमेंट में इसको चेंज कर सकते हैं। इसके बाद का जो नेक्स्ट ऑप्शन है उस पर हम ले चलते हैं, उस पर आपको वापस से पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करना है। नेक्स्ट ऑप्शन आपका फॉर्मेटेड टेक्स्ट RTF। RTF का मतलब होता है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। सबसे पहले मैं इन सब चीज़ों के बारे में आपको बता देता हूँ। ये बेसिकली क्या है, ये एक तरह की एक्सटेंशंस हैं, यानी कि जो भी फाइल हम जो भी डेटा को कॉपी कर रहे हैं उस डेटा को आप किसी भी फॉर्मेट में यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, चाहे वो आपका RTF फॉर्मेट हो। RTF का मतलब होता है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, यानी कि जो वर्डपैड की फाइल होती है, वर्डपैड में जो हमारा डेटा होता है, जो टेक्स्ट होता है, उस फॉर्मेटिंग में ये हमारा डेटा कन्वर्ट हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट है, उसी तरीके से यहाँ पर पिक्चर इनहेंस टेक्स्ट है, उसी तरीके से HTML फॉर्मेट है, और यहाँ पर अनफॉर्मेटेड यूनिकोड टेक्स्ट है। तो इस तरीके से इसमें बहुत सारे फॉर्मेटिंग दिए गए हैं, आप इनमें से किसी भी फॉर्मेट में इसको चेंज कर सकते हैं। तो पहला वाला ऑप्शन मैंने आपको बता दिया है, दूसरा ऑप्शन हमारा फॉर्मेटेड टेक्स्ट। तो इसको सिलेक्ट करके जैसे हम यहाँ पर ओके करेंगे तो आप देखेंगे हमारा ये जो डेटा है वो बेसिकली RTF फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है। ये हमें यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं होगा, जब इसको हम कहीं अदर प्लेस पर पेस्ट करेंगे तब आपको ये फॉर्मेट नज़र आएगा कि आपका ये जो डेटा है वो RTF फॉर्मेट में कन्वर्ट है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसको हम फिर से यहाँ से डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद हम यहाँ नेक्स्ट ऑप्शन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिखाई देगा यहाँ पर अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। इस पर हम सेलेक्ट करके जैसे इसे ओके करेंगे तो आप देखेंगे जो भी हमारा टेक्स्ट में फॉर्मेटिंग थी उसको यहाँ से इसने रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद हमारा जो डेटा है वो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट हो रहा है, जैसा कि आप पेस्ट स्पेशल में यहाँ पर हमने एक और ऑप्शन यूज़ किया था, यहाँ पर आप देखेंगे कीप टेक्स्ट ओनली का, तो इसका भी यूज़ कर सकते हैं और इसका भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही ऑप्शन मोस्टली सेम ही है। अब इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन की। तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पर पिक्चर है, जो कि हमने अभी यूज़ किया पिक्चर फॉर्मेट वाला। इसको जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये वापस से पिक्चर फॉर्मेट में यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, जो कि हमने अभी रिसेंटली यूज़ किया। और इसके बाद आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है अनफॉर्मेटेड यूनिकोड टेक्स्ट। इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपका यूनिकोड टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बहुत सारी एक्सटेंशन में इसको चेंज कर सकते हैं। इसके बाद एक ऑप्शन की और हम बात करें जो कि काफ़ी यूज़फुल है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले हम डेटा को क्लियर कर लेते हैं और यहाँ पर एक सिंपल टेक्स्ट यहाँ पे ले लेते हैं। सिंपल टेक्स्ट लेने के बाद हम किसी भी डेटा को यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद हमने नीचे क्लिक किया। नीचे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमने यूज़ किया पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल यूज़ करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर एक और ऑप्शन आपके सामने नजर आएगा पेस्ट लिंक का। पेस्ट लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे और यहाँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करके आप यहाँ पर ओके करेंगे तो एज इट इज़ डेटा तो यहाँ पर पेस्ट हो गया, लेकिन हुआ क्या, इसके साथ एक लिंक भी जनरेट हो गया है। यानी कि जब भी इस वाले पैराग्राफ पर आकर के आप डबल क्लिक करेंगे तो आप सीधे पहुंच जाएंगे उस जगह पर जहां से आपने इस डेटा को कॉपी किया था। तो यानी कि इसने क्या किया, एक तरीके से लिंक जनरेट कर दिया आपकी फाइल के अंदर, यानी कि एक टेक्स्ट टू टेक्स्ट आप किसी भी डेटा को लिंक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप पेस्ट लिंक के सभी ऑप्शन का यहाँ पर यूज़ कर पाएंगे।
तो मोस्टली हमने क्लिपबोर्ड के सभी ऑप्शन का यूज़ यहाँ पर सीख लिया है, लेकिन एक छोटा सा कॉमन ऑप्शन आपके सामने मैं क्लियर करना चाहता हूँ, जो कि मैंने पिछली वीडियो में भी कवर कर रखा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो मैं आई बटन पर उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से इसको देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने एक छोटा सा कॉर्नर में क्लिपबोर्ड का एक ऑप्शन नज़र आएगा। इस ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारी बहुत सारी हिस्ट्री सेव्स हैं। इन सभी हिस्ट्रीज को पहले हम यहाँ से क्लियर ऑल कर लेते हैं, यानी क्लियर कर लेते हैं। अब आपको बताते हैं इसका यूज़ क्या होता है। मोस्टली क्या होता है कि अगर हम किसी डेटा को यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से हमने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर क्लिक करके अगर हम पेस्ट करते हैं तो पेस्ट करने के बाद वो डेटा यहाँ पर हमारा पेस्ट हो गया। अब इसके बाद हमने किसी दूसरे डेटा को यहाँ से सिलेक्ट किया, उसको कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद उसको हम यहाँ पर पेस्ट अगर करते हैं तो वो भी डेटा हमारा पेस्ट हो गया। लेकिन अब मान लीजिए कि मुझे ये जो पहले हमने डेटा पेस्ट किया था, ये वाला डेटा मुझे दोबारा पेस्ट करना है बट कॉपी नहीं करना, तो कॉपी ना करने के बजाय आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपका क्लिपबोर्ड का एक ऑप्शन दिखाई देगा जिसके अंदर आपकी 24 हिस्ट्री सेव होती हैं, जो भी आपने डेटा कॉपी कर रखा है। तो जैसे हमने पहले ये डेटा कॉपी किया था, इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका डेटा यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा, यानी कि 22 हिस्ट्री आप इसके अंदर सेव करके रख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे क्लिपबोर्ड के सभी ऑप्शन। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।